subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. हमने 2020 तक $1 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट रखा है. हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है. उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव पर हमने उज्बेकिस्तान के सामाजिक क्षेत्रों में कम लागत के घरों और ऐसे और भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा $800 मिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट तथा एक्जिम बैंक द्वारा बायस क्रेडिट के अंतर्गत भी हम उज्बेकिस्तान के प्रस्तावों का स्वागत करेंगे. अंतरिक्ष, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान के हित के लिए भारत के अनुभव से लाभ उठाने का प्रस्ताव हमने रखा है. भारत और उज्बेकिस्तान के राज्यों के बीच बढ़ते सहयोग का हम स्वागत करते हैं. आज आगरा और समरकंद के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट और गुजरात और उज्बेकिस्तान के अंदिजन के बीच समझौते हुए हैं. भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के रास्तों पर हमने विचार किया है. व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए चाबहार के एक महत्वपूर्ण कड़ी है. भारत असगाबाद एग्रीमेंट का फरवरी 2018 में सदस्य बना है. इसमें समर्थन के लिए हम उज्बेकिस्तान के आभारी हैं. हमें खुशी है कि उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने पर सहमत हुआ है. एक्सलेंसी, आपके वरिष्ठ सलाहकार और मंत्री कल गांधी सैनिटेशन कन्वेंशन के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं. महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश के प्रति आपके मन में जो सम्मान है उसने भारतीय के हृदय को छू लिया है. ताशकंद से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति जुड़ी है. शास्त्री जी के स्मारक और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के रिनोवेशन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं. इन दोनों महान नेताओं की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर आपकी भारत में मौजूदगी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखती है. एक्सलेंसी, यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे रक्षा संबंधों में वृद्धि हो रही है. आज की मुलाकात के दौरान हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण समेत अन्य आवश्यक क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है. राष्ट्रपति जी, आपसे विचार विमर्श ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और उज्बेकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहते हैं. क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उज्बेकिस्तान के प्रयासों की हम सराहना करते हैं. इसमें भारत उज्बेकिस्तान के साथ हर संभव सहयोग करेगा.